देखा जाए, छः भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी पुट करना होगा। पुट कर देंगे यहाँ पर हम लोग टेन थीटा के जगह पर टी, टेन थीटा के जगह क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपका डी टी और नीचे हो जाएगा टू प्लस टी और इंटू में थ्री प्लस टी। अब वापस फिर उसी तरह से लेट वन बाई टू प्लस टी इंटू थ्री प्लस टी बराबर में क्या मानेंगे, ए बटा में टू प्लस टी और प्लस बी बटा में थ्री प्लस टी, एक बटा में टू प्लस टी और इंटू में थ्री प्लस टी बराबर में, इधर एलसीएम ले लेते हैं, टू प्लस टी इंटू में थ्री प्लस टी, इसमें से बात करेंगे, ये जाकर इंटू करेगा ए इंटू थ्री प्लस टी और प्लस बी इंटू टू प्लस टी, यही ना आएगा, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, वन बराबर में ए इंटू थ्री प्लस टी और प्लस बी इंटू टू प्लस टी। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ रख दें t के जगह माइनस का 2, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 रखेंगे घटेगा 1, a बराबर में 1 आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। अगर मैं t के जगह माइनस 3 रख दूँ, t बराबर में माइनस 3 रख दूँ, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस 3 रखने से यहाँ माइनस बी बराबर में 1 यानी b बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है 1 बाई 2 प्लस टी इंटू में 3 प्लस टी डी टी का, तो यहाँ से हो जाएगा इसके बराबर में यहाँ पे a बटा में 2 प्लस टी, इंटीग्रेशन खाली लगा देंगे यहाँ पे डी टी प्लस b बटा में 3 प्लस टी डी टी, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए a का वैल्यू 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 प्लस टी डी टी और प्लस b का वैल्यू माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस कर देते हैं बाहर ही और 1 बाई 3 प्लस टी डी टी, तो इसका हो जाएगा आपका log 2 प्लस टी और माइनस यहाँ log 3 प्लस टी प्लस सी, तो माइनस में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा log 2 प्लस टी बटा में 3 प्लस टी बटा में 3 प्लस टी, और t का वैल्यू tan थीटा था तो log tan x था, तो 2 प्लस tan x और बटा में 3 प्लस tan x प्लस सी, इसका आंसर हो गया। समझ गए, अगला क्वेश्चन देख